हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू द पार्ट्स वर्ल्ड। और अब इस वाली वीडियो में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे माउंट आबू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, जैसे कि गुरु शिखर हो गया, टॉड रॉक हो गया और नक्की लेक। नक्की लेक एक बार तो ये देख लो मेरे पीछे, है ना, ये जो मैंने लास्ट वीडियो के एंड में दिखाया इसकी स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ मैं। और वैसे भी जो है मैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर ही चलूँगा, क्योंकि अभी 18 किलोमीटर है यहाँ से, कुछ आधे घंटे का रास्ता होएगा, तो सारा रास्ता मैं दिखाता हूँ और नीचे चल के भी एक बार लेक का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो चलते हैं। तो गाइज अब मैं चलने लगा हूँ गुरु शिखर की साइड, जो कि ये देखो ये पूरी यहाँ की मार्केट है माउंट आबू की। और अभी बाइक निकाल ली है, अब चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कार से अलाउड नहीं है, बाइक ला सकते हैं। तो यार ये देखो इस तरह का कुछ है माउंट आबू की जो रोड्स हैं पूरी हिली एरिया में, और पूरे राजस्थान में ये अकेला हिल स्टेशन है जहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो ही है गुरु शिखर, जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ। तो यार इस जगह को देखो, ये सारे माउंट आबू के माउंटेंस हैं, जो कि माउंटेंस कम फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है ये फॉरेस्ट सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सॉरी। तो यहाँ पे माउंटेंस कोई ऐसे नहीं है जैसे माउंटेंस के हम लोग एकदम ऊपर ऊपर चलते हैं, बस माउंटेंस वाला रास्ता ज़रूर है, हिली एरिया है लेकिन इट्स फॉरेस्ट। तो यहाँ के रास्ते देखो यार कैसे हैं, एक तो ये पतली पतली सी जगह है, तो इतनी पतली भी नहीं लेकिन पतली जगह है, लाइक टू वे रास्ता यही है। और यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे ATV राइडिंग, हॉर्स राइडिंग ये सब भी हो रहा है। और अभी यहाँ से जो है 20 मिनट का रास्ता है गुरु शिखर का। और ये देखो पूरा जंगल वाला एरिया। और यहाँ पे माउंट आबू में ठंड है, ये देखो सारे लंगूर। माउंट आबू में ठंड है, अभी दिन का टाइम है तो इतनी नहीं लग रही। और नीचे कोई ये झरना सा है, झरना नहीं झील है। और यार यहाँ से देखो उस जगह पे नीचे जो है बिल्कुल एकदम अरावली हिल्स की रेंजेस दिख रही हैं, जो कि ये राजस्थान गुजरात में ये सारा अरावली हिल्स पड़ता है, महाराष्ट्र में भी। तो ये सारे अरावली हिल्स हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे लगी है अंदर जाने के लिए एक टिकट, जो कि थी ओनली 5 रुपीज़ की। और यहाँ पे भी जो है बहुत जगहों पे मतलब ऐसे खाने के कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे। ऐसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, हल्का ही किया था, कि मुझे यही था कि अभी घूमूंगा तो कुछ खाऊंगा, लाइक घूमता घूमता खाऊंगा या खाते खाते घूमूंगा। तो यार अभी एक कर्व देखना कैसे शार्प कर्व था। और नीचे देखो, नीचे की एक खेती हो रही है जहाँ पे स्केयर क्रोस भी लग रखे हैं, आई कैन सी। और ये पूरे रास्ते से हम आए हैं। और यहाँ पे ना ऐसे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, सी ये देखो, ये देखो चट्टानों की भी मतलब यहाँ पे सबकी अलग अलग शेप है। और इन चट्टानों के बीच में कैक्टस भी बहुत दिख जाएंगे। और इधर क्या राजस्थान की जगह पे मतलब इस जगह पे इतनी वेजिटेशन नहीं है, तो यहाँ पे जंगली पौधे ज़्यादा उगते हैं, लाइक कैक्टस मुझे मालूम है और कुछ कुछ का मेरे को नाम नहीं पता, बट ऐसे पौधे यहाँ पे ज़्यादा हैं। वो देखो जो मैं कह रहा था ना अरावली की रेंजेस, ये देखो पूरी पूरा व्यू देखो, इस पूरी सेंचुरी का व्यू देखो। तो यहाँ से मतलब वो लेक वगैरह तक तो नहीं दिख रहा होगा, इतना नीचे मतलब इतना दूर नहीं दिख रहा। एंड उस जगह पे ना थोड़ा ब्राउन सा शेड आ रहा है, उधर क्या मिट्टी उड़ी होगी, वो कोई पहाड़ तो नहीं है, ये कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कैसे आसमान में जो है ना ब्राउन सा शेड हो रहा है। और वहाँ उस तरफ दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं। तो यही है सारी अरावली रेंजेस, जो कि इधर है गुजरात में है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। चलो हिंट दे देता हूँ, अगली वीडियो में, अगली नहीं मतलब और कुछ आने वाली वीडियोस में ये सारी जगहें भी दिखने वाली हैं।
तो गाइस ये है अभी ये गुरु शिखर की ये पार्किंग है, तो अभी देखते हो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बताता हूँ। दिस इज पार्किंग एंड हेलमेट भी साथ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे सब लोगों ने देखो रेंटेड स्कूटी ले रखी है, यहाँ पे स्कूटी जो है बहुत सस्ती मिल जाती है, लाइक एक दिन के 150 या 200 रुपये लगते हैं और मिल जाती है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गुरु शिखर में और ये मैंने बाइक खड़ी कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मेरे आने के लगे 5 रुपये और बाइक को खड़ी करने के लगे 30 रुपये, बाइक की वैल्यू मुझसे ज़्यादा है। तो अभी सोच रहा हूँ पहले यहाँ पे कुछ खाया जाए, फिर खा के फिर चलते हैं जो भी है यहाँ पे घूमने का वहाँ पे। तो अभी जो है ऐसे शॉप्स मिलती रहेंगी, जिससे मैंने एक ये लिया अमूल प्रो वे प्रोटीन वाला, ये पीते हैं और ऐसे ही है यहाँ पे खाते पीते हैं ना, और स्टेमिना हो तो ही आना क्योंकि यहाँ पे है 500 से 700 सीढ़ियाँ यहाँ पे लिख रखी हैं, और वापस जाने के भी 2 रास्ते, एक ये वाला एक पीछे से कच्चा रास्ता होता हुआ जाएगा जहाँ से ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। तो ये देख लो यार, ये ऐसे ही पूरी स्टेयर है ऊपर जाने की, और नीचे तो जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 10-15 मिनट लग जाते हैं ऊपर जाने के, लेकिन आधा घंटा तक लग जाएगा आराम से। ये ऐसा रास्ता पूरा। तो यार अभी ना ये देखो, ये ना बड़े बड़े स्टेप हैं, तो मेरे को ऐसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं भी थक रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इस सब का रिजल्ट है इस तरह के व्यूज़ वहाँ दूर तक के, जिधर आसमान जो है मिलता हुआ दिख रहा है, और मैं अभी ये पीता पीता चल रहा हूँ। तो 500 सीढ़ियाँ यार। तो अभी मैं आ चुका हूँ गुरु शिखर पे, जो कि बस ये आ ही गया, यहाँ पे शूज उतार के फिर आए हैं क्योंकि ये होली प्लेस है, और ये ऊपर से दिखाता हूँ। और यार जैसे कि मैंने बताया कि पूरे अरावली हिल्स में सबसे ऊंची चोटी यही है, तो कि एक बार ना मैं पूरा जो है 360 पूरा दिखाता हूँ क्या क्या दिख रहा है यहाँ से। तो यार वो देखो, ये पूरा था गुरु शिखर, और ये एक छोटा सा मंदिर है गुरु जी का, जो जिनके नाम पे ये है गुरु शिखर, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे, और धूप काफ़ी तेज है यहाँ पे, ठीक है, और चारों तरफ व्यूज़ ही व्यूज़ हैं, ये देख लो इस तरह से। और यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पे एक बेल थी, वहाँ पे थोड़े रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, एक बेल थी उसको 3 बार दबाते हैं तो जो भी विश होती है वो पूरी होती है। तो मैंने भी अपनी विश मांग ली, आप लोग भी आके मांग लेना, और घंटे को दबा देना 3 बार यहाँ मंदिर की भी और मेरे नोटिफिकेशन की भी। तो अभी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं और क्या दिखा सकता हूँ। तो अभी एक लास्ट बार ये देख लो, ये देखो सब चलते हैं, लेट्स गो। तो ये देखो जो मैंने बताया ये लिख रखा, यहाँ पे 3 बार घंटा दबाने से मनोकामना होती है पूरी, ये मंदिर था। तो अभी ये वापस जाने का रास्ता है, तो यहीं से चलते हैं हम वापस। चलो ये ऐसे 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 पूरा वहाँ से नीचे 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 कुछ 500 सीढ़ियाँ हैं, और वापस जाने का एक और रास्ता था ट्रैकिंग करने का, वो ढूंढता हूँ किधर है। तो अभी ये पत्थर है, इसके यहाँ से वहाँ आगे जाना है और वो ऊपर जाएगा रास्ता, फिर वहाँ से नीचे जाएगा। तो ये ट्रैकिंग वाला रास्ता यहाँ पे एक बार चल के देखता हूँ, जा पाया तो यहीं से चलेंगे वरना स्टेयर से ही ट्राई करते हैं चलने की, देखते हैं खुद को, देखते हैं कितने हेल्दी हैं कितने नहीं।
वैसे तो ऊपर चढ़ते हुए तो सांस फूल रही थी थोड़ी सी, क्योंकि स्टेयर्स जो है काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं। तो यही है, थोड़ा कुछ खा पी के आना और पानी वानी लेते रहना यहाँ पर, वरना लेके आना अपने साथ मिल जाएगा। तो ऐसे पूरा ऐसे पूरे मतलब पूरे आने के रास्ते में स्टॉल से स्टॉल हैं, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ फिर। तो अभी ना मैंने एक यहाँ पे एक लोकल भैया से पूछा यहाँ पे जाने का, तो पहले तो वैसे वो तो बोल रहे थे कि खो मत जाना, ध्यान से जाना, लेकिन ये देखो ये रास्ता है ट्रैकिंग करने का। ठीक है, वो ऊपर एक मंदिर है, उसके पीछे एक और मंदिर है। वैसे उन्होंने समझा दिया रास्ता, थोड़ा बहुत मैं समझ लूँ, थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लो। ये देखो यहाँ पे कैक्टस। ठीक है, वो ये पूरा कच्चा रास्ता है और उधर एक मंदिर है और एक गुफा है। उस गुफा में महाराणा प्रताप ने रोटी खाई थी बैठ के, ऐसे कुछ है वहाँ पे। ठीक है, और ये देखो पूरा रास्ता देख लो। ठीक है, ये अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अपने दिमाग से चल रहा हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है उस हिसाब से चल रहा हूँ। और फिर भी अगर समझ ना आया तो यहीं से वापस आना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये देखो। तो यार ये देखो वो था गुरुशिखर, और ये ऐसे पत्थरों के ऊपर से चलने का रास्ता है। देखो किस तरह का रास्ता है। ठीक है, यही रास्ता पूरा। देखो मेरे को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, खोऊंगा तो नहीं। ओ नाइस, देखो किस लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, दिखाता हूँ। ये देखो देखो यहाँ से व्यू देखो, ये देखो अरावली रेंजेस, ये पूरे महाराष्ट्र के पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। और ये सारे जिस पर हम चल रहे हैं ये सारे होली माउंटेन हैं जिस पर हम चल रहे हैं अभी। वहाँ पे छोटे छोटे से वो गांव दिख रहे हैं दो तीन, ये एक हो गया, उसके पीछे एक हो गया, वैसे कैमरा में इतना नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे है कुछ और दो, एक ये बड़ी सी लेक दिख रही है, एक ये दिख रही है। और देखो यार कितना दूर का दिख रहा होगा यहाँ से। ये एक टेंपल है छोटा सा, वहाँ से आया था मैं। अभी मुझे यह है कि अगर मेरे को लग रहा है रास्ता समझ नहीं आ रहा तो मैं वो जगह तो दिख रही है, वहाँ तो ये सीधे सीधे जा सकता हूँ। अब यहाँ से उन्होंने बताया था कि एक ये मंदिर है, एक इसके पीछे एक और मंदिर है, वहाँ से सीधा ऐसे नीचे की तरफ रास्ता होगा, तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। मैं ये तो मैं वैसे ऊपर आ गया तो मैं सोचा यहाँ से चलते हैं, बट अगर कभी आओगे तो यहाँ से मत जाना, या तो उसी रास्ते जाना, वरना यहाँ से गाइड लेके आता, नीचे गाइड मिल जाएगा, गाइड के साथ आ जाना। अभी ये देखो ये पूरा रास्ता है और पीछे जा सकता हूँ अभी भी अभी, लेकिन देखता हूँ यहाँ से कहीं से नीचे का रास्ता मिल जाए तो। वो एक वो मंदिर है यहाँ से सीधा, ये देखो एक ये रास्ता दिखा। तो अभी वहाँ पे पार्किंग है और इसी तरह से रास्ता होना चाहिए, यही रास्ता शायद ऐसे नीचे आते आते, या आई कैन सी एक वहाँ से भी रास्ता आ रहा है ऐसे इस तरह से, तो वो भी चल के देखते हैं कैसा रास्ता है। तो ये देखो, तो भाई यही है, अगर आना हो गाइड ले आना। मेरा आने का मन नहीं था लेकिन मेरा ऊपर जाके सडन प्लान बन गया, या मेरा मन हो गया कि कुछ करते हैं। ये देखो अभी वहां से एक रास्ता दिख रहा है वो, तो इस तरह से कुछ। वो नीचे मेरे को रास्ता दिख रहा है लेकिन रास्ता जाना कहाँ से ये नहीं पता लगा, है ना। ये रहा रास्ता, शायद मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। वैसे तो ये रास्ता होएगा, अब मैं ऊपर से उतरने का ट्राई करूँ, यहीं से जाऊँ
ये पूरा रास्ता है। चलते हैं। रास्ता पहले दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो जैसे कि ये रास्ता बना हुआ है। चलो गाइस ये देखो गुफा, ऐसी पत्थरों के बीच में गुफा बनी हुई है। ये रह गया रास्ता, यही पूरा रास्ता है। और ये देखो मिल गया रास्ता, यही होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करने का मन हो तो शूज़ भी कोई अच्छे पहनना, मैंने ये पहन रखे तो मैं आ रहा हूँ, वरना मेरे नॉर्मल शूज़ होते तो मैं ना भी आता, क्योंकि गिरना तो नहीं आन के है ना। ये देखो ये रास्ता, पहले वहाँ जा रहे फिर नीचे आएगा। तो देखो जितना मुझे समझ आ रहा है, मुझे बताया गया था एक ऐसे ऊपर जाएगा और एक ऐसे नीचे जा रहेगा, जितना मैं पता करके आया था वो यही होना चाहिए। तो ये लो रास्ता मिल गया, अब आई होप कि यही हो, तो यही रास्ता होना चाहिए ऐसा मेरे को। ये मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ रहा हूँ, तभी भी लेकिन चल के देखते हैं नीचे उतरता हूँ। अब ये रास्ता अभी भी खोना जाऊँगा जिस तरह से मैं आया हूँ ना, वो तो मुझे याद है, मैं वापस से चल जाऊँगा ऐसे ही ऊपर से ना वापस चल जाऊँगा, बस नीचे का रास्ता मिल जाए तो मैं नीचे उतर जाऊँ। वैसे मुझे दिख रहा है रास्ता, ये देखो मेरे को शायद बाल भी टाई कर लेना चाहिए थे, लेकिन अब मैं पहले रास्ता ढूंढ लूँगा क्योंकि मेरा ध्यान जो है रास्ते पे। ये देखो अब यहाँ से नीचे का रास्ता किधर है, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ नीचे तो आ गया, लेकिन फिर भी अभी नीचे कहाँ से, ये यहाँ से होगा, ये रास्ता पता लग रहा है। हाँ ये देखो ये रहा रास्ता, और इधर आओगे ना अगर आए तो, मेरी तरह अगर आने का मन हुआ तो, वैसे तो अच्छे रास्ते से जाना, अगर इधर आने का मन किया तो थोड़ा इधर, मैं बता रहा हूँ ना राजस्थान में पेड़ पौधे जो है जंगली हैं बिल्कुल, इनसे भी सबसे बच के चलना दूर दूर एकदम। मेरे को नीचे का सब दिख रहा है, ये देखो, तो मैं सही जगह पे हूँ। अब तो देखो ऐसा हो गया ना कि जैसे ये नीचे का एरिया, अब ये वैसे मेरे को रास्ता दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से ना भी जा पाए तो यहीं से कूद अंदर अंदर से चले जाऊँ, लेकिन ये मजाक था, यहाँ पे कैक्टस है कांटे वाले। ये देखो यहाँ पे आने के लिए गाइड था जो, तो मैं ऐसे ही आ गया। मैं सोचा ऊपर तो ट्रैक करना पड़ेगा, ऊपर जाना मुश्किल होता, नीचे आ जाऊँगा है ना, तो नीचे आने का देख लिया और ये मैं आ गया। लेट्स काउंट द फाइनल स्टेप, जो कि कुछ है मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा मेरे को मुश्किल चीज़ों में थोड़ा मज़ा सा आता है। तो वो आ गया मैं सही सलामत आ गया नीचे। ये रहा ये भी पार्किंग, अब नीचे क्या ही उतरना, तो ये लोग उतर गया। ये देखो आगे पार्किंग की तरफ, चलो। तो गाइस अभी क्या, मैं आते हुए मैंने पूरा मोटो ब्लॉग किया था,
तो अभी भी वही रास्ता है, तो मैं नहीं कर रहा। तो अभी ये पूरा मैंने ये दिखाया पूरा गुरु शिखर के पहाड़। कहाँ से उतरे यहाँ? वहाँ मंदिरों के बीच में से। ये भैया गाइड थे ये गाइड थे ये भैया, इन्होंने मुझे कहा था चलने को, और अब मैं जैसे उतर गया नहीं देख रहे, कह रहे उतर कैसे गया ये, क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता नहीं था। देखा ना आप लोगों ने, पूरा खाली था। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ एक अगली बढ़िया सी वीडियो में। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा, और उसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय बाय।